हवेली पे आ जाना। आइए कभी हवेली पे, बहुत मस्त है, खाना बहुत टेस्टी है, अच्छा लगा है। यहाँ बाकी मोमो से ना, यहाँ पे मोमो बहुत टेस्टी मिलता है। मैं बोलूँगी कभी आइए हवेली पे का मौका दें और आए कभी हवेली, आइए कभी हवेली पे, एक बार सेवा का मौका जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार और अभी मैं मौजूद हूँ कॉलेज रोड के सी टी सी कॉलेज के ठीक सामने। आप देख सकते हैं एक हवेली प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन हुआ है। चलिए मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आपने गाना सुना होगा जालीदार कुर्ती, लेकिन ये जालीदार हवेली है। आप देख सकते हैं किस तरह से जालीदार पूरे बनाया गया है और आप देख सकते हैं पुराने जमाने को इसमें दर्शाया गया है, जैसे गाँव में इस तरह के घर होते थे। लंटेन एक तरफ टंगा हुआ है, बॉल लगाया गया है और हरी हरी पत्तियां भी लगाई गई है और इस तरह से किस तरह से जालीदार पूरे बांस के चचरे को बनाया गया है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और चलिए टेस्ट में अगर चाहिए बेस्ट तो जरूर एक बार हवेली पर आइए। और आज हवेली का राज खुलने वाला है क्योंकि चंपान बॉय का यह हवेली है। तो चलिए, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि ए हवेली पर आ जाना, लेकिन आज के जमाने में जब हवेली पर आइएगा तो मुस्कुराते आइएगा और ढकारते जाइएगा यहाँ से। तो चलिए हम चंपान बॉय से बात करते हैं। चलिए, आपका स्वागत है खबर आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे इस हवेली को लेकर? सर, हवेली को लेके यही कहना चाहूँगा, जितने भी तमाम आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे कहूँगा एक बार हमें सेवा का मौका दें और आए कभी हवेली पे आप। हवेली पे आप, लेकिन ब्लैक का राज क्या है भाई? देख रहे हैं ग्लास भी ब्लैक, टेबल ब्लैक, आपका ड्रेस ब्लैक, सब ब्लैक ब्लैक ही, क्या है सर? सर, ब्लैक कलर ऐसा होता है ना जिसमें कोई दागी नहीं होता सर, बेदाग होता है। अब सफ़ेद कुर्ता मैं पहनना पसंद नहीं करता सर, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है सर। चलिए तो चलिए, और इस तरह का ख्याल आपके दिल में कहाँ से आया कि चलो भाई इस तरह का हवेली बनाते हैं, वो भी बांस का? सर देखिए, मुझे नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, इस कारण आप देखे होंगे जैसे मालदीव में, नेपाल में, जहाँ बांस का कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन अपने यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा बांस का पहले हुआ करता था, अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो मैंने सोचा इस चीज़ को रिक्रिएट किया जाए, फिर से बनाया जाए और पुराना वाला फील दिया जाए, 90s वाला फील। तो यहाँ आपको बाजार में आते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन बाजार में आने के बाद गाँव याद आता है। अब बिल्कुल सर, यहाँ आप आएंगे तो आपको पक्का ही आपका गांव याद आ जाएगा, आपका बचपना याद आ जाएगा। यहाँ आपका ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, देखिएगा लालटेन भी लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लगेगा, प्यारा लगेगा, पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरा सर। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवेली को लेकर? आइए कभी हवेली पे, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। आने के बाद ही पता चलेगा कि हवेली की खूबसूरती क्या है। खूबसूरत देखिए, आने के बाद आपको हवेली की खूबसूरती, उसके साथ साथ यहाँ की नेचर की जो व्यवस्था है और उसके साथ साथ हम लोग के जो फूड सामग्री है, जो खाने योग्य चीज़ें हैं, वो एकदम आपको शुद्ध मिलेगी, एकदम परफेक्ट मिलेगी और ताज़ी मिलेगी। तो आप एक बार जरूर आइए हवेली पे और सेवा का मौका जरूर दीजिए। चलिए, हमने एक गाना सुना था बड़ा जालीदार बात तुहार कुर्ती, लेकिन बड़ा जालीदार भाई हवेली? जी जी, पूरा जालीदार है ताकि हवादार बना रहे और प्रकृति के साथ बना रहे सर। चलिए, अब यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, जो अभी बैठे हैं नाश्ता करने या खाना खाने, उन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर स्वाद क्या है। हवेली तो आपने देखा, लेकिन स्वाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि लोगों का क्या राय है। क्या खा रही हो? मोमो। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या ऐसा रेस्टोरेंट कहीं देखी हो? ना, नहीं अभी तक नहीं। अच्छा, चखी है कि नहीं? हाँ, चखे है। कितना अच्छा स्वाद? खाना बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? हाँ। अब मम्मी को तो परेशान करेगी भाई, चलो मम्मी वहीं पे चलते हैं, संडे को संडे। हाँ, हाँ। चलो बाबू, नाम क्या है आपका? यशराज। कहाँ से हैं आप? नहीं, मेरा अभी आ रहा है। इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? बहुत बहुत बहुत। चलिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा रेस्टोरेंट देखे क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। पहली बार आए हैं? जी जी। कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ऐसा रेस्टोरेंट कहीं देखिए क्या रक्सौल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेपाल के अलावा कहीं देखे ही नहीं। आने के बाद कैसा लग रहा है? लग रहा है कि नेपाल को उठा के यहाँ रख दिया गया है। दम बिल्कुल। पूरा नेचुरल। बिल्कुल मोमो खाया, टेस्ट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ बाकी मोमो से ना, यहाँ पे मोमो बहुत टेस्टी मिलता है। मैं बोलूँगी कभी आइए हवेली पे और टेस्ट कीजिए मोमो। हवेली पे आइए और टेस्ट लीजिए। चलिए, एक और
बच्ची हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? अनामिका कुमारी। अनामिका जी कहाँ से हैं? हम रक्सौल से ही हैं। वार्ड नंबर 4 से। अच्छा, ऐसा हवेली देखे हैं का? नहीं, ऐसा पहली बार मैं देख रही हूँ। नाम भी हमको लगता है पहली बार। हाँ हाँ, नाम भी पहली बार सुनी हूँ। ऐसा बस फिल्मी जमाने का नाम सुनी थी मैं और आज हकीकत में देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा देख के। अब नेपाल जाने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या है? सुहानी कुमारी। अच्छा, हाँ हो गया। कैसा सुना? बहुत मस्त। मस्त है? बहुत अच्छा। हवेली कैसी? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं? बोले हैं कि आइए कभी हवेली पर, बहुत मस्त है। मस्त है, हवेली पर आइए और तब जाकर यहाँ का लुक भी देखिए और स्वाद भी उठाइए। भैया देखे क्या हवेली? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आए हैं तो देखे ही है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे, साली जी सामने बैठी है तो मुस्कुराएंगे। आ ही गया, टेस्ट कर आ गया। यानी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा स्वाद है। जी जरूर जरूर। यानी हवेली पर आइए और नहीं मुस्कुराइए, हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, हवेली जो है एकदम पूरा पुराने जमाने की तरह बनाया गया है। अभी नेपाल में जाइएगा तो देखिएगा, हट्टा चीर के बनाया रहता है। जी 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 जी, हाँ हाँ, लेकिन उसी प्रकार से बनाया गया है। बिल्कुल वैसा ही था। आइए हट्टा से कुछ ला कर जाइए। ना ना, ऐसा कोई नहीं है। ना ना बिल्कुल नहीं। कैसा है? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, इंटीरियर इज नाइस। स्वाद अच्छा रहा? स्वाद तो खाने के बाद आपको बताएंगे ना। देखते हैं कितना अच्छा, थोड़ा टेस्ट करके बताइए तो क्या कैसा है, क्या है। नहीं नहीं, कैसा? जबरदस्त। देख सकते हैं हवेली पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम खुशी आ रही है, आनंद आ रही है एकदम देखने से। बहुत बढ़िया है, रक्सौल में पहली बार देखने के लिए मिला हवेली पे आने पर, बहुत बढ़िया है। कैसा लगा? हवेली पे आने पर बहुत अच्छा लगा। चखे कि नहीं अभी? नहीं, अभी खाने जा रहा है। खाइए तो बताइए तो कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? बहुत अच्छा है जी। हवेली पर आकर कैसा लगा? हवेली पर आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इस तरह का हवेली रक्सौल में कहीं देखेगा? अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, ये पहला कॉन्सेप्ट है और इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन है कि सीरियसली अभी तक रक्सौल में ऐसा तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिला था। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार आकर यहाँ पे जरूर विजिट करें। सीरियसली आप बहुत ही खुश होकर जाओगे। आपको ऐसा अभी तक मतलब रक्सौल में तो सीरियसली नहीं मिला होगा। आप जो भी खाना होता था या इंजॉय करना होता था फैमिली के साथ बीरगंज जाते थे, नेपाल जाते थे, लेकिन आपके अपने शहर में आप बहुत ही खूबसूरती से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ही अच्छा प्लेस मिलेगा। सो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू।